सुंदरी कौवी अपनी सौतेली बेटी टुनटुनी पर बहुत अत्याचार करती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ की मौत 2 साल पहले ही हो गई थी। अरे ओ महारानी, सूरज सिर पर चढ़ाया है। अरे अब जल्दी उठ और ले सारे घर में ये झाड़ू लगा। शाम होने पर कालू कौवा घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया आंखें बंद करके सोने का नाटक करती है। अब कालू कौवा, अरे सुंदरी कौवे, ये टुनटुनी कब की सो रही है? हाँ, आपकी बेटी पर सोने और खाने के अलावा कोई काम भी है भला? ओ महारानी जल्दी उठ और जंगल से लकड़ियाँ तोड़ कर ला, उसके बाद यहाँ चूल्हा भी जलाना है। हाँ हाँ माँ, मैं अभी लाती हूँ। बेचारी टुनटुनी चिड़िया छोटी सी थी और जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने निकल जाती है। जंगल में बहुत लकड़ियाँ ढूंढने के बाद उसे कुछ सूखी लकड़ियाँ दिख जाती हैं। अब वह उसका गट्ठा बनाकर ले जाने वाली होती है, तभी वहाँ पर एक खतरनाक चील आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, यह कहाँ ले जा रही है? ये लकड़ियाँ मुझे दे ही तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। जी आप मुझे मार ही डालिए, मैं भी अपने घर से तंग आ गई हूँ। हाँ, अगर मैं ये लकड़ियाँ नहीं ले जाऊंगी तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी। ऐसा सुनकर चील को दया आ जाती है। चिंता मत करो बेटी, अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो तो हमारे घर चलो, मेरी पत्नी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उस चील के साथ चली जाती है। अरे आप ये छोटी सी बच्ची को क्यों किडनैप करके लाए हो? अभी इसके माता पिता परेशान होंगे। नहीं नहीं, ये हमारे साथ खुशी से आई है। और उसे सारी बात बता देता है। अब वह चील टुनटुनी चिड़िया को अपने सीने से लगा लेती है और उसके लिए खाने के लिए बहुत सारी चीजें ले आती है। टुनटुनी चिड़िया कहाँ है? जी आज टुनटुनी सुबह से पता नहीं कहाँ चली गई है, उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। उसके बाद एक दिन सुंदरी कौवी जंगल से निकल रही थी, तभी बारिश बहुत तेज होने लगती है और सुंदरी कौवी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी तूफान भी आ जाता है और पेड़ की एक डाल निकल के सुंदरी कौवी पर गिर जाती है। मुसीबत से बाहर निकालो, उसकी आवाज टुनटुनी चिड़िया को सुनाई देती है। अरे माँ, लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ बेटी, हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए, जल्दी है तो मेरी सौतेली माँ है। टुनटुनी चिड़िया चील की सहायता से उस डाल को हटा देती है और सुंदरी कौवी की जान बच जाती है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत अत्याचार करा। नहीं माँ, मेरी माँ तो पहले से ही भगवान को प्यारी हो गई थी, लेकिन भगवान ने उनके बदले मुझे बहुत अच्छी माँ दे दी है। और खुशी खुशी उनके साथ चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया और सुंदरी कौवी दोनों बहुत पक्की दोस्त थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया सुंदरी कौवी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती। अरे बंटी जी सुनते हो, अब तो हमारी बेटी जवान हो गई है, अब हमें उसकी शादी के लिए सोचना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ टूनी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कल हमारा तो 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल में आ पाता है। और मैं तो ये भूल ही गया कि मैं कितना गरीब हूँ। टूनी तुम देखना, मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत ही बड़े घर का रिश्ता लाऊंगा। इसी तरह दिन बीतने लगे। सुंदरी कौवी और टुनटुनी चिड़िया दोनों एक दिन पेड़ पर बैठ के बातें कर रही थी, तभी सुंदरी का पिता अपनी बेटी से कहता है, सुंदरी तू इस गरीब भुखमरी चिड़िया के साथ क्या कर रही है? इस भुक्कड़ को अपनी दोस्ती नहीं दुश्मन की तरह समझा कर। ए चिड़िया, तेरी इतनी औकात नहीं है जो मेरी बेटी से दोस्ती कर, तू दूर ही रहा कर मेरी बेटी से। कहकर वह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी सुंदरी कौवी के घर आती है। सुंदरी यह देखो मेरा रिश्ता तय हो गया है और एक बहुत ही बड़े घर में, अंकल आप मेरी शादी में जरूर आना। तो जैसे गरीबों के यहाँ मैं नहीं आता,
में मेरी शान कम होगी। उसके बाद टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। पापा, आप टुनटुनी चिड़िया को ऐसे क्यों समझते हैं? इनकी माँ मुझे इतना प्यार करती है कि उन्होंने मेरी माँ की याद भुला दी है। अरे तू कुछ भी समझ बेटा, पर ये हमारे लायक नहीं है। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया घर आ जाती है और घर पर अपने माँ बाप को बात करते हुए। सुनती हो टुनटुनी की माँ, वहाँ लड़के बाड़े मुझसे दहेज में 10 लाख रुपए मांग रहे हैं और एक बहुत ही महंगी कार। क्या, इतना तो हम कभी नहीं दे सकते। पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। ऐसा नहीं हो कि मेरी शादी के चक्कर में आप ही बिच जाएं। नहीं बेटी, मैं शादी जरूर करूंगा, चाहे मुझे घर गिरवी रखना पड़े। अब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों की शादी होने लगती है। तभी वहाँ पर लड़का वाला कहता है, कहाँ है वह 10 लाख रुपए और एक गाड़ी? यदि वह दोनों नहीं दिए तो यह शादी नहीं हो सकती। चल बेटे, जल्दी से खड़ा हो जा, कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया मंडप पे बैठी बैठी रोने लगी। तभी कालू कौआ उनके पास आता है। अंकल, आप चिंता ना करें, अच्छा है आपकी बेटी इन दहेज लालचियों से दूर है और उनके घर में नहीं गई, क्योंकि यदि दहेज का लालच इनका और बढ़ता तो वह टुनटुनी के साथ अत्याचार भी करते। मैं टुनटुनी से शादी करूँगा। और टुनटुनी और कालू कौए की खुशी खुशी शादी हो जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौए के साथ उसके घर जाती है। अरे कालू, तूने ये क्या किया? मैंने तुझे शादी में भेजा था कि इससे शादी करने है। पापा, यदि हमारी सुंदरी के साथ भी ऐसा हो और हम अगर देखते रह जाएं तो फिर क्या होगा? बेटा, आज तूने यह बातें करके मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, टुनटुनी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूंगा। फिर वह सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। गरीब टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। सारा दिन टुनटुनी चिड़िया से काम करवाने के बाद जब टुनटुनी चिड़िया भोजन मांगती तो उसे मारने और पीटने लगती। बेचारी टुनटुनी चिड़िया रोते हुए जंगल में एक जगह चली जाती है। अब मैं वापस घर कभी नहीं जाऊंगी, मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत ही नफरत करती है। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तभी उसे सामने एक समोसा दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया उस समोसे के पास पहुंच जाती है और उसे खाने को होती है। तभी जंगल में दो पक्षी आ जाते हैं। अरे यह रही टुनटुनी, पकड़ो उसे। टुनटुनी चिड़िया वह समोसा फेंक के जल्दी से वहाँ से भागती है। टुनटुनी चिड़िया का रो रो के बुरा हाल हो जाता है और भूख के मारे उसके पेट में दर्द होने लगता है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बेचारी टुनटुनिया रात होने पर वहीं सो जाती है। अब सुबह होती है। टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में आगे बढ़ती है तो देखती है एक बहुत बड़ा मिट्टी का घर बना होता है। काकी, मैंने 2 दिनों से भोजन नहीं खाया है, क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगी? हाँ हाँ बेटा। टुनटुनी चिड़िया वह खाना खाके वहाँ से चली जाती है और नदी पर जाकर पानी पीती है। मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही है। सोचकर वह अपने गांव की तरफ फिर से जाने लगती है तो रास्ते में उसे एक समोसे का बड़ा घर दिखाई देता है। समोसे का घर, ये कैसा अजूबा है, मुझे इसमें अंदर जाके देखना होगा। टुनटुनी चिड़िया उस समोसे के घर में अंदर चली जाती है तो देखती है वह बहुत ही बड़ा था। टुनटुनी चिड़िया इन्हें देखकर बहुत खुश होती है और वहाँ से ढेर सारे फल खाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया आगे बढ़ती है तो देखती है वहाँ पर बहुत सारे हीरे और जवाहरात रखे होते हैं। टुनटुनी चिड़िया उन हीरे जवाहरात को जैसे ही हाथ लगाती है तभी वहाँ पर एक आवाज गूंजती है। टुनटुनी, बहुत ही दयालु और सीधी सारी चिड़िया हो। समोसा जादू समोसा था, समोसे का आधा बड़ा घर तुम्हारा है, अब तुम इसमें बड़ी ही आराम के साथ रह सकती हो। अब टुनटुनी चिड़िया अपने गांव में जाती है और अपने माता और पिता को बताती है। तभी टुनटुनी
की चिड़िया की लालची सौतेली चिड़िया उससे कहती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। टुनटुनी चिड़िया अपनी भौतेली माँ टूनी को भी उस समोसे घर में ले जाती है, लेकिन जैसे ही वहाँ कदम रखती है वह जलने लगती है। बचाओ बचाओ टुनटुनी बेटा, मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। समोसे के घर में कोई भी लालची पक्षी अंदर नहीं जा सकता है, समोसे के घर में रह सकता है। आज से तुम ही समोसे के घर के मालकिन हो और जैसा चाहो तुम भी चाहो, यह सब तुम्हारा है। अब टुनटुनी चिड़िया उस समोसे के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक छोटे से टूटे घोंसले में रह रही थी। बारिश की वजह से वह घोंसला बहुत कमजोर हो गया था। मम्मा हमें बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ मेरे बच्चों, ये बारिश रुके तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। अब बारिश को ना देखते हुए टुनटुनी चिड़िया बारिश में निकल जाती है। तभी सोचती है, न मैं बुलबुल बहन के घर जाऊं, उनके घर शायद मुझे थोड़ा सा खाने को मिल जाए। बुलबुल बहन, मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा खाने को मिल जाए तो मुझे दे दो, मेरे पास जब दाना हो जाएगा मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। हम भी खाने को बहुत परेशान हैं। मैं तो वैसे भी मिट्टी के बर्तन बेच के ही अपना गुजारा करती थी, अब बारिश की वजह से मैं वहाँ भी बेचने नहीं जा पा रही हूँ। अरे तुम ये मेरे मिट्टी के रखे हुए बर्तन बेच के आओ, वैसे भी यह बारिश में खराब हो रहे हैं। पर बुलबुल बहन, इन मिट्टी के बर्तनों को इन भरी बारिश में कौन लेगा। ऐसा कहकर टुनटुनी मिट्टी के बर्तन बेचने चली जाती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, उसकी आवाज सुनकर सुंदरी कौवी अपने घर से बाहर झांकती है। अरे ओ मिट्टी के बर्तन बेचने वाली, जरा इधर हा बहन, ये मिट्टी के बर्तन ले ली, ये टिकाऊ है या यूं ही? आप तो देख रही होगी कितनी बारिश में भी यह टिके हुए हैं। ठीक है, ये बर्तन मुझे दे दे। अब टुनटुनी चिड़िया वह बर्तन बेचकर उससे मिले पैसों को बुलबुल को दे देती है। लो बहन, ये लो कुछ पैसे। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अपने घर पर जाती है, पर जब वह घर जाकर देखती है तो उसका घोंसला वहाँ नहीं था। मेरे बच्चों कहाँ हो तुम? माँ हम यहाँ हैं, एक पेड़ में छुपे हुए हैं। टुनटुनी चिड़िया को बड़ी राहत मिलती है अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर, वह उनके पास चली जाती है। माँ हमारा घोंसला तो उड़ गया, हम जल्दी से उड़ के इस पेड़ के नीचे आ गए। टुनटुनी चिड़िया उनको खाने के लिए कुछ देती है। अब बच्चे और टुनटुनी बेसारा होकर उसी पेड़ की डाली पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर देखती है कि एक बूढ़ी कौवी जो वह बारिश की वजह से भीग रही थी है। आप इन बारिश में क्यों भीग रही हो, जल्दी से हमारे पेड़ के पास आ जाओ। वह बूढ़ी कौवी उनके पास आ जाती है और कहती है, बेटा मैं 2-3 दिनों से बहुत भूखी थी, यह लो। उनमें से कुछ दाने वह उनको दे देती है। अब बूढ़ी कौवी वह दाने खाती है और उनको उसके बदले कुछ बीज दे देती है। यह लो बेटी, इन बीजों को लो और एक खेत में गाड़ दो। अब दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया उन बीजों को उस खेत में गाड़ देती है और दूसरे दिन जब जाकर देखती है तो वह पेड़ एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है और उस पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। अब टुनटुनी अपने बच्चों को पेट भर के भोजन कराती है। मम्मा मम्मा, यह देखो कितना बड़ा मिट्टी का घर। हाँ बेटा मैं वही देख रही हूँ, पर यह किसका है? अब टुनटुनी चिड़िया जब पास आकर देखती है तो वही बूढ़ी कौवी उस घर में थी। आओ टुनी बेटा, यह तुम्हारा ही घर है, अब हम लोग सब साथ में इस घर में रहेंगे। तभी टुनटुनी अपने बच्चों के साथ और उस बूढ़ी कौवी सब लोग उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में बंटी कबूतर अपने पंतनी टुनटुनी और 2 बच्चों के साथ रहता था। बंटी कबूतर कालू कौवा के खेत में सब्जियां उगाया करता था। उसके बदले में कालू कौवा उसे कुछ पैसे दिया करता था, जिससे वह अपने और अपने बच्चों का गुजारा किया करता था। सुनो जी,
ऐसे कब तक गुजारा होगा, अब बच्चे बड़े भी हो रहे हैं। आप एक काम करिए, एक छोटा सा खेत खरीद लीजिए। अरे टुंटुनी, तुम तो जानती हो अपने घर की हालत, एक पैसा भी नहीं बच पाता है, मैं खेत कहाँ से खरीदूंगा। मेरे पास कुछ जेवर पड़े हुए हैं ना, आप उन्हें बेच दीजिए। नहीं नहीं टुंटुनी, तुम्हारे माँ बाप की निशानी है। हाँ हाँ, अगर माँ बाप की निशानी हमारे काम नहीं आएगी तो उनका क्या होगा। टुंटुनी की बात सुनकर बंटी कबूतर उन जेवरों को गिरवी रखकर एक छोटा सा खेत खरीद लेता है। अब तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है। अरे वाह बंटी, अब तो तुमने अपना खुद का खेत खरीद लिया है, इसमें क्या बोने वाले हो। मालिक, मैं इसमें मटर बोऊंगा। आहा, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है, पर तुम शहर से मटर के बीज लेने जाओगे तो तुम्हें बहुत महंगे मिलेंगे। ऐसा करो, उस पिछले साल के बीज मेरे पास रखे हुए हैं, तुम उन मटर के बीजों को मुझसे खरीद लो, मैं तुम्हें बहुत ही कम दामों में दे दूंगा। ऐसा कह के बंटी कबूतर कालू कौवे से बीज खरीद लेता है और अपने खेत में बो देता है। दो दिनों के बाद जब बंटी कबूतर अपने खेत में आता है तो देखता है कि मटर के एक भी पौधे नहीं लगे हैं। यह देख के वह बहुत दुखी होता है। अरे क्या बात है जी, आप मुझे बहुत ही दुखी नजर आ रहे हो। टुंटुनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने जो मटर के बीज कालू कौवे से लिए थे उनमें से एक भी पौधा नहीं बाहर आया है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैंने पिछले साल की हरी मटर को सुखा कर बीज बनाए थे, यह लो और अपने खेतों में डाल दो। इसके बाद बंटी कबूतर उन बीजों को खेत में डाल देता है। दो दिनों के बाद जब आके देखता है तो उसके खेतों में चारों तरफ मटर के पौधे लगाए थे। अरे वाह वाह, हमारे खेतों में कितने सारे पौधे हैं, यह तो इनमें बहुत बड़ी बड़ी मटर भी लगेंगी। अरे हाँ हाँ टुंटुनी, तुम्हारे बीजों ने तो कमाल कर दिया, आज तक मैंने ऐसे मटर के पौधे नहीं देखे हैं। अब बंटी कबूतर उन मटर को बाजार में बेच आता है, उसे बहुत अच्छे दाम मिलते हैं, जिससे बंटी कबूतर टुंटुनी के सारे जेवर छुड़ा लेता है। इधर कालू कौवा जब बंटी कबूतर के खेत में मटर के पौधे देखता है तो कहता है, अरे इसको तो मैंने खराब मटर के बीज दिए थे, इसके खेत में ये मटर के बड़े बड़े पौधे कैसे लहरा रहे हैं। क्योंकि कालू कौवा सबकी तरक्की से जलता था, वह सबको अपना गुलाम बनाना चाहता था। ऐसा कह के वह बंटी कबूतर के घर आता है। अरे ओ बंटी, बाहर निकल, अरे तूने मुझसे जो कर्जा लिया था उन कर्जे को अब चुका दे। बंटी कबूतर कालू कौवे को बहुत सारे पैसे देता है। अब कालू कौवा अपना सा मुँह लेके वहाँ से चला जाता है और बंटी कबूतर और टुंटुनी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। आज टुंटुनी चिड़िया बहुत रो जा रही थी। बेटा टुंटुनी, तू क्यों रोए जा रही है, मैंने तुझे कहा था कि एक न एक दिन भगवान तेरी जरूर सुनेगा। नहीं माँ, यह सब मेरे कर्मों का फल है, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, तभी तो आज मुझे उसका फल मिला है कि आज 5 साल बाद भी मेरे कोई औलाद नहीं है। 5 साल पहले टुंटुनी, बेटा जल्दी कर, मुझे उन बच्चों को खाना खिलाने जाना है। ये बुढ़िया भी मुझे सारे दिन परेशान किए जाती है, मैं अपनी बच्ची की देखभाल ना करके उन अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने के लिए ही मुझे भगवान ने पैदा किया है। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। टुनी बेटी, जरा मेरे पास आ। जी दादी, आप क्या कह रही हो। बेटा, तू स्कूल जा रही है तो बीच रास्ते में तुझे वहाँ 7 बच्चे मिलेंगे, उन बच्चों को यह खाना देकर आ जाना। नहीं टुनी, बिल्कुल नहीं, उन भिखारी बच्चों के पास तू जरा भी मत जाना, मैं नहीं चाहती कि उन भिखारियों का साया मेरी बेटी पर पड़े। बेटा, ऐसे उन गरीबों का मजाक नहीं उड़ाते, वह अनाथ बच्चे हैं, कभी मैं भी अनाथ थी। हाँ हाँ, आप भी ठीक हो, आप ही उन बच्चों को खाना खिलाया, मेरी बच्ची वहाँ नहीं जाएगी। चल टुनी, तुझे आज मैं स्कूल छोड़कर आती हूँ, कहकर टुनी चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। अब इधर रानी कौवी जब उन बच्चों के पास पहुँचती है तो देखती है कुछ बदमाश पक्षी उन बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तभी अचानक से वहाँ आके उन पक्षियों से कहती है, अरे क्या बात है, यह मेरे बच्चे हैं, आप क्यों परेशान कर रहे हैं,
इसलिए क्योंकि यह सरकारी जगह में रह रहे हैं, अब यह यहाँ नहीं रहेंगे। माँ आप आ गईं, आज आपने इतनी देर क्यों लगाई? बेटा तुम्हारी माँ को आज घर पर काम था इसलिए देर हो गई, पर अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें कोई नहीं भगाएगा, तुम आज से मेरे घर में ही रहोगे। रानी कौवी उन अनाथ बच्चों को बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती थी और कई सालों से उन्हें अपने हाथों का बना खाना खिला रही थी। इसके बाद जब टुनटुनी चिड़िया घर आती है, अरे माँ आपसे मैंने मना किया था कि इन बच्चों से दूर रहना, इन भिखारी बच्चों को आप तो घर पर ही ले आई हो। बेटा यह सड़क किनारे रह रहे थे और बदमाश पक्षी इनको परेशान किए जा रहे थे। आप इनसे ज्यादा मेरे पति की और मेरी माँ हो, इसलिए हमारा फर्ज इनसे ज्यादा बनता है। हाँ हाँ बेटा, पर अब कालू बहुत बड़ा हो गया है इसलिए वह अपनी फैमिली खुद संभाल सकता है, पर अनाथ बच्चे यह बहुत छोटे हैं, इसलिए इनका ख्याल रखना अभी बहुत जरूरी है। ऐसा कह के अब वह बच्चे वहीं रहने लगते हैं। उसके बाद एक दिन रानी कौवी मंदिर जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया उन बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है। बेटा मेरे बच्चे कहाँ हैं? वह आपके बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे नहीं मालूम। बेटा तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया है, वह अनाथ बच्चों को यहाँ से भगा दिया, अब मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। दादी मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब रानी कौवी और टूनी चिड़िया उन बच्चों को ढूंढने निकल जाती है। इस बीच अचानक से एक गाड़ी से टूनी चिड़िया का एक्सीडेंट हो जाता है और वह वहीं मर जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया माँ मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए भगवान ने इसकी सजा दी है कि आज मेरी बेटी मुझसे छीन ली है। आज का दिन नहीं बेटी, अब कितने सालों तक रोएगी, तुझे रोते रोते काफी साल हो गए। माँ अब मैं आपको बता रही हूँ कि वह बच्चे मैंने अनाथ आश्रम में भेज दिए थे, अब मैं उन्हीं की माँ बनूंगी। उस तरह टुनटुनी चिड़िया उन अनाथ बच्चों को घर पर ले आती है और उसके बाद उन्हीं का पालन पोषण ठीक से करने लगती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया को पता लगता है कि वह अंडे देने वाली है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अब फिर खुशी खुशी रहने लगी।